यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुड मॉर्निंग माय डियर लविंग चिल्ड्रन, and if along with the children, if their parents are there. The word which I have chosen today is treachery, and this word is very much contextual. इसको बोलते हैं सामरिक, मतलब जो सिचुएशन अभी प्रिवेल कर रहा है उससे मिलता जुलता ट्रेचरी। यदि इसका डिक्शनरी मीनिंग हम देखें तो ट्रेचरी का मतलब होता है एक्ट और फैक्ट ऑफ वायलेटिंग द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ अनदर। Act or fact of violating the trust or confidence of another. इसके पहले मैं ये वर्ड का मीनिंग बताऊँ और डिफरेंट फेसिट के बारे में बात करूँ, मैं बच्चों से एक छोटी सी दिस इज माई अपील एन अपील। यदि वर्ड मीनिंग पढ़ने में मज़ा नहीं आता है तो कभी मत पढ़ना, लेकिन उसके बाद देखना कि इफ यू कैन डू इट by reading Sanskrit and you can be a very good scholar in Hindi, then you must choose that path. Hindi हमारी मातृभाषा है और संस्कृत सारे भाषाओं की मातृभाषा है, मातृ माँ। Most of the languages that has come up, maybe not the what is called vernacular, but you know, ancient languages में संस्कृत इज ओल्डेस्ट, नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माई संस्कृत, आवर संस्कृत, इंडियन संस्कृत हैज टॉट द ह्यूमैनिटीज। आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड माई संस्कृत हैज टॉट द ह्यूमैनिटीज। लेकिन ऐसे जैसे जैसे वक्त गुजरते गए हमारी संस्कृत और हिंदी कि उपयोगिता कमते गई, इसलिए कमते गई क्योंकि संस्कृत विद्यालय कम हो गए, हिंदी में लोग पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को देखो, बहुत भाई जी बहन जी करके पुकारते हैं लोग। दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में एक स्कूल है, कॉलेज है, मुझे याद है कि बहुत सारे कॉलेजेज हैं, मैं पहले कहानी बता देता हूँ क्योंकि समय की कोई कमी है नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जैसे गार्गी कॉलेज हुआ और सेंट मैरी और एलएसआर लेडी श्रीराम कॉलेज, यहाँ की लड़कियाँ बहुत हिप मानी जाती है, बहुत मॉडर्न, कम कपड़े पहनना, लड़कों से व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग, यू नो व्हाट द वेयर द फक यू आर गोइंग, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, आई मीन द स्लैंग्स व्हेन दे यूज, they are considered very smart girls and they study in these colleges. अब वहीं पे नॉर्थ कैंपस में मेरे ख्याल में सेंट स्टीफन हिंदू और रामजस के बाजू में एक कॉलेज है दौलत राम डी आर, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी आर। वहाँ पर हमारे टाइम में इन एटीज अर्ली एटीज की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर उसको बैंजी कॉलेज बोलते थे क्योंकि वो सारी हिंदी मीडियम की लड़कियां वहाँ पढ़ती थी। Nobody wanted to go there. कहता है यार why do you want to go there? If at all you have to go there, go to Miranda College. What was the Miranda College? Miranda College was very old college. और वहाँ पे high marks की so called modern कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां वहाँ पर पढ़ती थी। That was the standard. और हमारी ethics and morality इतनी गिर गई कि वी कंसिडर दैट कॉलेज वेयर द गर्ल्स स्पीकिंग इंग्लिश टू बी वेरी गुड कॉलेज, एंड जहाँ पे लड़कियाँ हिंदी बोलती हैं, चेस्ट हिंदी बोलने वाली संस्कारी लड़कियाँ, उनको बोलता बहन जी कॉलेज। इसलिए मेरी अपील आपसे ये है कि
कि इंग्लिश जैसे मैं बार बार बताते रहता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है, मैं हिंदी भी जानता हूँ संस्कृत भी जानता हूँ, उतना तो नहीं जानता लेकिन जानता हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में संस्कृत की पढ़ाई स्कूलों में होती थी, अब नहीं होती है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे कीप फ्रेंच, जर्मन, इवन चाइनीज एज थर्ड लैंग्वेज, बट सेल्डम एनी स्कूल कीप संस्कृत एज थर्ड लैंग्वेज। वाई? क्या पढ़ेगा संस्कृत यार, संस्कृत पढ़ के क्या बनोगे? तुम्हें कोई शादी कराना है क्या? तुम्हें कोई वेद पाठ कराना है क्या? देखो, इस्लाम वाले अरेबिक पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, जो भी कुरान में पढ़ाया जाता है उल्टा सीधा वो पढ़ते हैं। क्रिश्चियन लोग को इंग्लिश आती है, वो बाइबल पढ़ते हैं। हिंदूज लोग, एक इनको संस्कृत नहीं आती इसलिए अपना वेद नहीं पढ़ते। और जानते हो, वेद में हमारे सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अभी कल मैं पढ़ रहा था, अभी भी की बात पढ़ रहा था, कि अभी लोग कहते हैं कि ही इज़ ए ग्रेट न्यूरोलॉजिस्ट, ही इज़ ए ग्रेट सर्जन, ही इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन चरक संहिता पढ़ो, चरक एक बहुत बड़े हमारे प्राचीन काल में आयुर्वेदास का ही उसमें पद्धति था, उसमें कोई एलोपैथी नाम की चिड़िया तो थी नहीं। ब्रेन की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, किडनी की सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट आदि काल में किया हुआ था। तो बताओ, हमारा वेद कितना संपन्न, कितना समृद्ध और कितना महान था। लेकिन हमने अपने सारी चीजों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसे इस पे गौरवान्वित नहीं होना चाहिए, इसमें शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूं। तब आप पूछोगे कि सर आप क्यों अंग्रेजी पढ़ाते हो? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत तो आपने गंवाया, हिंदी भी आपने कभी नहीं अपनाया, और यदि ये भी नहीं किए तो आप 10th भी नहीं पास कर पाओगे, 12th आते आते तक भाई जी कहलाओगे, एंड यू वुड बी यूजफुल फॉर नथिंग। इसलिए जो भी है, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते इफ यू कैन इम्प्रूव योर हिंदी एंड संस्कृत, मच बेटर। माई ऑल ब्लेसिंग्स विद यू। नाउ टुडे द वर्ड इज ट्रेचरी, TRECHERY, ट्रेचरी, विश्वासघात। ये मैं शुरू में ही बोल दिया था कि वर्ड आई एम गोइंग टू यूज बिकॉज इट्स वेरी कंटेक्चुअल, इट्स वेरी जमेन, आज के परिपेक्ष में इसकी प्रासंगिकता बहुत ही ज्यादा है। कैसे? एक देश है चीन, उसने हमारे साथ व्हाट दे डिड एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी, हमारे विश्वास को उसने झकझोर दिया। दे डिड सच एन एक्ट ऑफ फेलोनी ऑफ मिसडीमनर दैट आई डोंट कॉल चीन टू बी ए गुड नेबर, दे आर बैड नेबर्स, एंड दे हैव ए पॉलिसी विच इज कॉल्ड एक्सपेंशनिस्ट नेचर, विस्तारवादी कंट्री। और जो ये लोग ऐसे होते हैं कम्युनिस्ट माइंड के, दे ऑलवेज रिसोर्ट टू एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी। सो द वर्ड इज ट्रेचरी। एंड आई टोल्ड यू, एक्ट और फैक्ट ऑफ वायलेटिंग द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। आप सपोज करो, आप मेरे दोस्त हो, आपको मैंने कुछ पैसे, कुछ रकम या कुछ जायदाद दिए, और मैंने आप में विश्वास किया कि एक टाइम आएगा मैं आपसे लूंगा, और आपने मुझे लौटाया ही नहीं, यू प्लॉटेड टू किल मी। ऐसे दोस्तों को क्या बोलते हैं? ट्रेचरी। इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी, एन एक्ट विच वॉज प्रपिट्रेटेड, ए ट्रेचरस एक्ट वॉज प्रपिट्रेटेड बाय माई फ्रेंड। इसी को यदि एक्स्ट्रापोलेट करो, कंट्री के ऊपर ले जाओ, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ले जाओ, इसको बोलते हैं ट्रेचरी, ट्रेचरस, एन एक्ट ऑफ ट्रेचरस, ए फ्रेंड वॉज बिट्रेड ट्रेचरसली। अब इसके वर्ड्स देखते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। बैक स्टैबिंग, कहते ना कि पीठ के पीछे छुरा भोंकना, बैक बैक मतलब पीछे, स्टैबिंग स्टैबिंग मतलब छुरा भोंकना। सो दीज टू वर्ड्स, टू कनोटेशन बट सिंगल वर्ड, बैक स्टैबिंग। वन शुड नॉट बैक स्टैब देयर फ्रेंड्स, वन हु हैज रिपोज फेथ इन यू, यू शुड नॉट बैक स्टैब। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक स्टैबिंग। बिट्रेयल, धोखा देना। ये सारे वर्ड्स देखो आप, अभी जो कुछ दिनों से जो बात चल रही है, स्पेशली फ्रॉम 15 जून ऑनवर्ड्स, चाइना हैज ऑलवेज बिट्रेड द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया, इट हैज ऑलवेज बैक स्टैप इंडिया। डिसलॉयलिटी, लॉयलिटी मीन्स
यू आर कमिटेड, डिसलॉयल्टी मीन्स यू आर टोटली नॉन कमिटेड। डबल क्रॉस, इधर भी बोल दिया उधर भी बोल दिया, जो आजकल डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, झूठ को आप कितना बढ़िया तरीके से बोल सकते हो, दैट इज डिप्लोमेसी। अरे तू डिप्लोमेट बनेगा? दो इन आवर सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी प्लम जॉब। लेकिन डिप्लोमेसी में होता है क्या है, एनीथिंग विच सूट्स यू और योर कंट्री, जितना भी, एवरीथिंग इज फेयर एंड फाइन वॉर, इट इज सेड, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट। सो दिस इज नॉट फेयर, समथिंग विच इज नॉन एथिकल cannot be good. So how can that be diplomatic? कैसे बोलते हैं कि आप उसको गाली मत दो, you should be diplomat. मतलब आप मखमल में पत्थर रख के मारो वो चलेगा, नहीं, I was not spilling stone at you. लेकिन मखमल के अंदर भी पत्थर हो, चोट तो उतना ही लगेगा दोस्त, लगता भी है। So it is said that don't speak a word which apparently appears to be correct, but you speak the same thing without being seen or without being heard that you are trying to damage or you are going to sabotage the feeling which somebody is expecting you, and that is wrong. Faithlessness, aapke upar kisi ne faith kiya? Dekho word kaise bana, faith less matlab kam, ness a prakriya, ness matlab jahan aa gaya prakriya, फॉल्सनेस झूठ जहां बोला जाए, दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी। मेरे साथ बोलो ट्रेचरी, टी आर ई ए सी एच ई आर वाई, ट्रेचरी, ट्रेचरी। सी वेन एवर यू हैव टू लर्न मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यू ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑन योर ओन, ट्रेचरी, ट्रेचरी। सी योर ब्रेन इज सच ए बिग कंप्यूटर, इवन इफ यू आर स्लीपिंग इट ट्राइज टू रिवाइज वट यू हैव लर्न इन द होल डे, मे बी इन 24 आवर्स एंड ओवर। Why not you are in subconscious stage when you wake up early in the morning, these words start reverberating. So that's time when you have to remember. That's the time when you have to look for its meaning in lexicon, dictionary, and look for its synonyms and antonyms. That will be very useful and helpful. Infidelity, infidelity, infidelity. Normally, a boyfriend girlfriend ke baare mein bolta hai. Somebody, a boy or girl is loving, they are in courtships, they are dating each other, and you know, and finally they get married to somebody else. And normally isi sense mein use hota hai, infidel character, or maybe some housewives, they are having their husband, but they are loyal to some of their paramours. So that is called infidel, that is totally infidel on your part. You should be loyal to your husband, or wife should be loyal to their husband, husband should be loyal to their wife. But you committed an act of infidelity. Under Indian Penal Code, there are certain set of crime for infidelity. Why? Because it is considered, as per the ethical norms of the Constitution of India is considered, that there are set procedures which should not be transgressed. If somebody does that, that is an act of infidelity. So right from certain statutory warning, to some set of, you know, eye-browsing punishments are also there, which somebody has to undergo. Perfidy, it's a lovely word, perfidy, an act of perfidy, act of treachery, totally disloyalty. There are lots of cases in scenario where husband has been charged on acts of perfidy, P-E-R-F-I-D-Y, perfidy. सेल आउट, ट्रेजन, ये बहुत सारे लोग पकड़ाते रहते हैं जासूसी करते हुए, और उनको सजा भी मिलती है, और सजा बहुत दर्दनाक होती है। ही हैज बीन कमिटेड, ही हैज बीन चार्ज्ड, एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑन द एक्ट ऑफ ट्रेजन, टी आर ई एस ओ एन, ट्रेजन। द वर्ड इज ऑलरेडी रिटन, यू जस्ट हैव टू कॉपी इट आउट, लुक फॉर इट्स मीनिंग एंड स्टार्ट यूजिंग, constructing sentences on your own. Two timing, और उसको जैसे बताया आपको double crossing, same is the two timing. शाम को 6 बजे एक दोस्त से मिला, 7 बजे आके दूसरे से पैसे ले लिया। इलेक्शन के टाइम में खूब होता है,
ये पॉलिटिशियन सब कुछ सोचते हैं कि मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। खास करके वी आर फ्रॉम इंडिया, वी हैव सीन डबल क्रॉसिंग एंड टू टाइमिंग्स आर वेरी कॉमन इन इंडियन पोलिटिकल सिनेरियो। यहाँ पे पैसे दे के, शराब पिला के लोगों को अपने पक्ष में किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिल लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, वोट पता नहीं किसको देते हैं, बट दे डबल क्रॉस, दे डबल टाइम। किसी दो अपोनेंट के एक साथ तो मिल नहीं सकते, किसी को 7 बजे शाम में मिला, किसी को अगले दिन 7 बजे सुबह मिल लिया, दोनों से पैसा लिया, पता नहीं जिस दिन इलेक्शन का वोट देनी हो दे विल मूव टू हिज ओन डिफरेंट डेस्टिनी, आई डोंट नो वेयर। सो नाइदर दे विल वोट, अदरवाइज दे वुड बी कैच नैपिंग, एंड सम ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेचरी। यू आर नॉट कमिटल, यू आर नॉन कॉमिटल, नॉन कॉमिटल इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी। Deceit, DECEIT, deceit. Don't deceit someone. Court में बहुत सारे केस होते हैं, the husband has been charged on a case of deceit and chicanery. Chicanery, CHICKENRY, chicanery. It's a very common word, but once you learn the habit of it, मैं अभी भी बोलता हूँ कि English हमारी language नहीं है, इसे tame करना पड़ेगा। करने के लिए आपको वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा। अनलेस अंटिल यू इनिशिएट, इफ यू डू नॉट पुट वन स्टेप फॉरवर्ड यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट, एंड दैट्स द ओनली प्रोसेस। मैंने भी ऐसे ही सीखा, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट और इंग्लिश टीचर वाला दैट समबडी विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेट स्टार्ट फ्रॉम अ ग्रामर, इट्स ऑल बुलशिट एंड अ क्रैप, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वर्ड मीनिंग खूब रखो, उसमें ही आपको पता चल जाएगा नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कहाँ पे लगता है, प्रीपोजिशन कहाँ लगती है, कंजंक्शन इंटरजेक्शन क्या क्या होते हैं, एपोस्ट्रोफीज कहाँ लगते हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए कहाँ पे बोला जाता है साइलेंटली, कहाँ पे बोला जाता है लाउडली। सो दिस इज देयर। नाउ लेट अस लिसन टू सम ऑफ द एंटोनिम्स। एंटोनी एलिजियस, एक बार जो बोल दिया पत्थर की लकीर है दोस्त, हटूंगा नहीं। Such people are loyal people. Now, India and Russia, they owe their allegiance to historical perspective. They are good friends. Neither India has ditched Russia, nor Russia has ever ditched India. So, but, China has ditched India. Ek bar Hindi Chini bhai bhai bola, and they have involved in the act of treachery. The word which is the word of the day, treachery. Devotion, faithfulness, these are some other words, and loyalty, staunchness, staunch supporter. Israel is India's staunch supporter. Steadfastness, another word of loyalty, and opponent of treachery. So my dear loving children, these are some of the hints. I again tell you one of the famous examples which I quite often keep on giving to the children. I'll just give you some of the processes, some of the ways to, you know, cook your fish by fishing yourself. I'll just give you the ways. I'll not give everything on a platter so that you can eat it up with your spoon. No, such children are OB children and they never success in their life. So my dear loving children, always in the context in which India is put at the moment, try to use Indian products as much as possible and avoid Chinese apps. I still find many WhatsApp apps which are, you know, recorded on TikTok, which is a Chinese app. You must abandon these apps because indirectly or directly that is going to favor China, and that is something like act of treachery. So you should have act of devotion for your nation, not act of treachery. Thank you very much. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय।